Everybody wants to become successful in life. But what is that one thing जो सारा difference और magic create करती है? It is your consistency at things. जब आप किसी काम को करते हो और consistently उसकी तरफ dedicated हो और surrendered हो, then only you will achieve success. और ये मेरी बातें नहीं हैं, बल्कि एक बहुत ही special student आज मेरे साथ मौजूद है आकाश बायजूस campus में. His name is Chirag. A very warm welcome to you, Chirag. Thank you, ma'am. मैंने ये पढ़ा है आपके बारे में दैट यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर. कैसे डिसाइड किया कि डॉक्टर बनना है लाइफ में? मतलब 9th-10th में मुझे साइंस में तो इंटरेस्ट था ही, और मेरे दादाजी एंड पापा चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूँ, तो बाद में मेरा भी इंटरेस्ट आने लगा उसमें. एंड इन 11th आई डिसाइडेड टू टेक बायो फॉर फर्दर करियर. ओके, सो जब ये डिसीजन ले ही लिया कि डॉक्टर बनना है, तो हाउ आकाश बायजूस एंटर्ड योर लाइफ एंड हाउ इट हेल्प्ड यू? सबसे पहले तो मतलब मैंने सोचा था कि मैं कोटा जाऊंगा, वहाँ पे प्रिपरेशन करूँगा. बट मैंने एक बार फिर आकाश सेंटर विजिट किया था अपनी ब्रांच पे, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा. मतलब देन एंड हमारे सेंटर से रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया था, तो फिर मैंने सोचा कि अगर और स्टूडेंट यहीं ग्वालियर रह के कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता. सो देन आई डिसाइडेड टू टेक एडमिशन इन आकाश ग्वालियर ओनली. सो चिराग, तुमने कैसे डिसाइड किया कि आकाश बायजूस तुम्हारे इस पूरी कोचिंग में, इस पूरे लर्निंग प्रोसेस में बेस्ट रहेगा फॉर यू? मतलब मेरा एक फ्रेंड पढ़ता था आकाश में, तो मतलब उससे मैंने पूरा पूछ लिया था कि कैसा क्या चलता है, तो आई वॉज सेटिस्फाइड विद हिज टॉक्स, सो आई डिसाइडेड टू टेक एडमिशन इन. एंड आई वी लाइक वेरी कम्फर्टेबल, क्योंकि बीच में लॉकडाउन भी स्टार्ट हो गया था, तो ऑफलाइन क्लासेज आई एम श्योर नहीं हो पा रही थी. वर यू ओके विद दैट? यस, मतलब आकाश का मतलब पूरा जो लॉकडाउन में, जब सबसे मेन चीज़ जो हमको ऑफलाइन टेस्ट हम नहीं दे पा रहे थे, तो उसमें आकाश का हमको बहुत ज़्यादा हेल्प था कि वो हमको उस कोरियर से ऑफलाइन टेस्ट भेज दिए थे. तो मतलब हम पूरा टाइम लगा के, मतलब मैं तो पूरा टाइम लगा के देता था, और उसमें OMR भी आई थी, तो उससे पूरा प्रैक्टिस हो जाता था, उससे हमारी हैबिट नहीं टूटती थी ऑफलाइन टेस्ट देने की, तो वो बहुत हेल्पफुल था मेरे लिए. एंड यू वर मेंशनिंग कि टीचर्स का भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट आपकी लाइफ में रहा है, जब भी आपने कोई क्वेरी पूछी दे आंसर्ड यू वेल? हाँ, मतलब टीचर्स तो हमेशा ही सपोर्ट करते थे मेरे सेंटर के. मतलब मैं उनको, जैसे हमारे सेंटर की 7:30 बजे ऑफ हो जाता था, सारे टीचर चले जाते थे, तो मैं कभी कभी तो अपने फिजिक्स वाले सर को 8:30 बजे तक रोक लेता था. मतलब एक बार तो हम पे फाइन भी लग गया था उसकी वजह से सर पे. तो मतलब हमेशा टीचर ऑलवेज रेडी फॉर मी. सो इनफैक्ट तुम्हें इस मोमेंट बहुत सारे स्टूडेंट्स देख रहे हैं जो शायद अभी उनको राइट गाइडेंस नहीं मिली, तो एक ऐसी टिप या फिर एडवाइस तुम अगर उनको देना चाहो ताकि वो गलती ना रिपीट करें जो शायद तुमने अपने करियर में की? एक तो ये कि कंसिस्टेंसी, एक तो आपने जो बताया शुरुआत में कि वो होनी चाहिए. मतलब हम कुछ का क्या होता है कि शुरुआत में तो मतलब बहुत अच्छे मार्क्स ला रहे हैं, और एंड में फिर बीच में कम हो गए, तो मतलब उस वो अपना सेटिस्फेक्शन तो हो जाता है, लेकिन वो है कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, तभी हम हर सिलेबस के पार्ट को अच्छे से कवर कर पाएंगे. और एक रहता है कि कुछ स्टूडेंट का रहता है कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया. जैसे मेरे कुछ दोस्त हैं जो फिजिक्स में ही मतलब लगे हैं, तो मतलब बहुत पूरे दिन वही कर रहे हैं, लेकिन हमें तो पता है कि वेटेज तो सबका इक्वली है ना. मतलब सारे सब्जेक्ट हमें लेके चलने हैं, तो भले ही वो पसंद नहीं है तब भी वो करना ही है हमको. और मतलब कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो उसको बहुत सोचते हैं कि छोड़ ही दें, लेकिन अब वो करना तो है ही. तो मतलब जैसे मेरे को करना होता था, तो मैं उसको दीवार पे लगा लगा के याद करता था, रोज़ सुबह सुबह उठ के रिवाइज करता था उसको, दीदी वगैरह को सुना देता था, ज़बरदस्ती वो सुनना नहीं चाहती थी तब भी. ऐसे में ये मतलब मैं एडवाइस करता हूँ कि आपको भी फेस करना ही रहेगा उसको, ऐसा नहीं करना है कि छोड़ दें उसको. सो लाइक यू सेड कि यू आर कंसिस्टेंट, सो कंसिस्टेंसी डेफिनेटली चिराग को हेल्प कर रही है लाइफ में टू अचीव हिज गोल्स एंड ड्रीम्स. इफ यू ऑल्सो वॉन्ट टू बी कंसिस्टेंट इन समथिंग, तभी सक्सेस आपके हाथ लगेगी. यही मैं बोलूँगी कि आज लेसन मैं चिराग से यहाँ पे लेकर जा रही हूँ. लेकिन आप भी अगर लाइफ लेसन सीखना चाहते हैं, फॉर दैट यू कैन विजिट akash.ac.in.